दिल्ली में कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने वाला कट्टर हिंदू नेता कौन है और उसने कन्हैया को थप्पड़ क्यों मारा? आइए थप्पड़ मारने के पीछे का क्या राजनीतिक मायने हैं ये पूरी बात बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। कल दिल्ली में कन्हैया कुमार को प्रचार के समय एक लड़के ने थप्पड़ मार दिया है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर बताता हूँ। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दिल्ली के पूर्वोत्तर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार प्रचार करने निकले थे, तभी वीडियो में दिखने वाले ये बड़े दाढ़ी वाले लड़के ने कन्हैया को माला पहनाने के बहाने सामने आया और उन्हें थप्पड़ मार दिया। इसके बाद सभा में आई भीड़ ने उस लड़के की पिटाई कर दी और इसका वीडियो इतना वायरल हो गया कि सोशल मीडिया पर छा गया। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में लोग पूछ रहे हैं, कौन है ये जो कन्हैया को थप्पड़ मार रहा है? कौन है ये, हम बताते हैं। जिसने कन्हैया को थप्पड़ मारा है, इनका नाम दक्ष चौधरी है और इनके इंस्टाग्राम पेज में बायो में कट्टर हिंदू लिखा है। ये वीडियो क्रिएटर हैं और इनके लगभग 4 लाख फॉलोअर हैं। ये हिंदू धर्म से संबंधित वीडियो पोस्ट करता है, आप देख सकते हैं। इस घटना के बाद कन्हैया कुमार के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक जिसमें उसे मारा गया और एक जिसमें उसने जवाब दिया। दूसरे वीडियो में कन्हैया अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़कर सिद्धू मूसेवाला के गाने और उनके ही अंदाज में ताल ठोककर जवाब देते हुए दिख रहे हैं और इस पूरे घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने भाजपा पर सीधा निशाना साधा और कहा, भाजपा के द्वारा भेजे गए गुंडों से ये कन्हैया बिहार का लाल डरने वाला नहीं है। इस घटना के बाद दक्ष ने भी अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक और वीडियो शेयर किया और उसने कन्हैया को थप्पड़ क्यों मारा ये बता रहा है, इसे देखिए। जय गुरु माता की सभी भारतवासियों को। तो जो भी हमने करा है वो हमने ना तो किसी पार्टी के कहने से, ना वो हमने किसी संगठन के कहने से, वो सिर्फ हमने जो हमारी भावनाएं आहत हुई, हमारी क्या संपूर्ण भारत की, जिस व्यक्ति ने यह कहा कि भारत तेरे टुकड़े हो, जिस व्यक्ति ने जो हमारी देश की आन बान शान है हमारी इंडियन आर्मी, उसे रेपिस्ट कहा और उसने ये कहा कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं। तो इसलिए जो हमारी भावनाएं थी वो बहुत समय से आहत थी और जो हम मौका ढूंढ रहे थे वो हमें मिला और वो हमने करा। इस पूरी घटना को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, जिसमें एक वर्ग भाजपा को गलत बता रहा है और दक्ष की फोटो भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी के साथ पोस्ट कर उसे भाजपा का गुंडा बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक वर्ग इस काम को जस्टिफाई कर रहा है और कन्हैया के पुराने वीडियो को पोस्ट करते हुए इसे देशद्रोही करार दे रहा है। अब इस पूरे घटना से किसे फायदा होगा, दिल्ली चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं वो हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।